गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। एंड मेरे चैनल नैंसी शुभम ऑफिशियल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो, आज है मंडे और आज पतिदेव का ऑफिस नहीं था, बट वो गए हुए हैं। उनकी जो ऑफिस की पूरी टीम है वो लोग घूमने गए हुए हैं, तो जस्ट अभी निकले हैं। अभी बज रहा है 9 के आसपास का टाइम हो रहा है मॉर्निंग का, तो जस्ट अभी 5 मिनट पहले निकले हैं। ब्रेकफास्ट हो गया, उनको भी करा दिया, मैंने भी कर लिया। और अभी मुझे फटाफट से सब कुछ क्लीन करना है, फटाफट से घर को साफ करना है, उसके बाद फिर नई नई। एंड आज वैसे मेरे सावन के जो फास्ट होते हैं, मतलब वो मैं रखती हूँ, बट आज तबीयत थोड़ी सी डाउन है तो नहीं हिम्मत हो रही रखने की बिल्कुल भी, और मन में बहुत ज़्यादा घबराहट भी हो रही है, पता नहीं क्यों। एंड मुझे आपको एक और भी बात बतानी है, बट बताऊँगी, आराम से बताऊँगी मैं। और मतलब क्या, वैसे तो सब कुछ ठीक होगा, सब भगवान जी अच्छा करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है अंदर से। एंड सब कुछ अच्छा होगा, भोले बाबा सब कुछ अच्छा करेंगे। तो अभी मैं कहीं जाने वाली हूँ और मतलब मेरा जाना बहुत ज़रूरी है वहाँ पर, तो फटाफट से मैं पहले निपटा लेती हूँ काम और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पर छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड कर लिया, मिस्टर हस्बैंड जा रहे थे, उसके बाद मैंने फटाफट से ब्लैंकेट को फोल्ड किया। सबसे पहले उठने के बाद मैं यही काम करती हूँ, बेड को अच्छे से बेडशीट ठीक करना एंड ब्लैंकेट वगैरह को फोल्ड करना। तो यहाँ पर मैं वही सारी चीज़ें कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने कपड़ों को वॉश करने के लिए डाल दिया था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर बंद गोभी और आलू को कट कर लिया था, क्योंकि मुझे शाम को डिनर में बनाना था, तो मैंने कहा अभी मेरे पास टाइम है तो मैं फटाफट से कट करके उबाल लूँगी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर किचन में आई, मैंने कैबेज को बॉईल करने के लिए कुकर में रख दिया था और यहाँ पर मैं फटाफट डिश वॉश करने लगी। तो यहाँ पर मैंने कहा आज मुझे बहुत जल्दी जल्दी काम निपटाना था, तो मैं फटाफट सारी चीज़ें निपटाने की जल्दी जल्दी ही कोशिश कर रही थी। किचन हो गया था क्लीन, उसके बाद यहाँ पर कपड़े सूख गए थे तो मैंने उनको उतारा और यहाँ पर मैं अब इनको करूँगी फोल्ड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो अभी दोपहर हो गई है और मैं जस्ट अभी काम वाम निपटा के सब कुछ क्लीन करके प्रॉपर घर जस्ट अभी नहाई नहाई करी है। एंड काफ़ी लेट हो गया क्योंकि मुझे जाना है जहाँ भी, उसकी सडन मतलब तैयारी बनी, सडन मैंने फ्लाइट का टिकट करवाया अपनी और मुझे जाना है कल, यानी आज है मंडे, मुझे जाना है ट्यूसडे को। तो आपको पता ही है कि जब सडन तैयारी बनती है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और फिर एक बात ये भी है कि मैं अकेले जा रही हूँ, पतिदेव नहीं जा रहे हैं, तो सारी चीज़ें प्रॉपर सेटअप करना, हर चीज़ मतलब अरेंज करना ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि काफ़ी दिन के लिए मैं जा रही हूँ, और तो इसीलिए आज काम भी काफ़ी लेट हो गया। और अभी मुझे पैकिंग करनी है, मेरी कोई तैयारी नहीं हुई है गाइस, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ आज ही करना है, कल अर्ली मॉर्निंग मुझे निकलना है। और मन में इतनी घबराहट है, इतनी घबराहट है, मैं नहीं बता सकती आपको मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है। मैं बहुत नॉर्मल होने की कोशिश कर रही हूँ बट नहीं हो पा रही हूँ गाइस, तो कोई बात नहीं, अभी काफ़ी दोपहर हो गई है, मूड करती हूँ थोड़ा सा अच्छा, दोपहर हो गई है तो पतिदेव को जैसा मैंने आपको बताया कि ऑफिस टीम के साथ बाहर गए हैं, नाइट तक ही आएंगे, तो अभी मैंने बनाई थी खीर, तो नहीं मैंने बनाई थी खीर बट अब वो रखी हुई है, मेरा कल से मन ही नहीं हुआ खाने का, जब से मुझे पता चला कि मुझे जाना है, तो अभी मैं सोचती हूँ कि थोड़ी सी खीर खा लेती हूँ, मन थोड़ा अच्छा हो जाएगा, ऐसे लंच करने का ऐसे मन नहीं है, क्योंकि घबराहट इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि कुछ खाने का, पीने का, कुछ करने का, किसी से बात करने का कुछ भी मन नहीं कर रहा, लेकिन हाँ वही है कि सब कुछ करना पड़ता है। तो चलो पहले खीर खा लेते हैं, उसके बाद फिर करती हूँ पैकिंग और फिर आपसे करती हूँ बात। गाइस, किसी ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि ये मुझे रिसीव हो चुका था, बट ये बॉल पे उस टाइम नहीं लगा था, एक दो दिन पहले ही अभी लगाया है हमने,
इस पे मुझे कुछ और रखना है सुंदर सा, तो मैं ऑर्डर करूंगी। अभी जल्दी में ही लगाया है ये सारी चीज़ें, फिर इसको हटा दूंगी मैं यहाँ से। यहाँ पर मैंने जो खीर बनाई थी बहुत टेस्टी बनी थी, बट खाने का टाइम नहीं मिल पा रहा था तो यहाँ पर मैं खीर खा रही थी। उसके बाद गाइज यहाँ पर मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दिया था अपनी, तो मुझे कुछ ज़्यादा सामान इस बार अपने जो भी चीज़ें हैं ज़्यादा लेके नहीं जानी थी, तो जो एक्स्ट्रा यहाँ पे मेरे पास कपड़े रखे थे मैंने सोचा कि वही ले जाती हूँ, वहाँ घर पर छोड़ आऊँगी। यहाँ पर फालतू में जगह ही घिरती रहती है और कुछ नहीं है, तो यहाँ पर मैं अपने जो ले जाने वाले कपड़े हैं पहनने वाले वो रख रही थी, और जो वहाँ छोड़ के आने हैं वो सारे कपड़े रख रही थी सोच सोच के, क्योंकि इस बार मैं अकेले जा रही हूँ और ऐसा कुछ है नहीं, तो इतनी ज़्यादा कपड़ों की नीड भी नहीं है। घर में हम वही टी शर्ट एंड पजामा यही सब चीज़ें पहनते हैं, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो बस मैं यहाँ पर फटाफट से अपनी पैकिंग कर रही थी, बस मेरा एक ही लगेज हो गया, एक मेरा स्लिंग बैग हो जाएगा हाथ में और बस एक शायद छोटा बैग हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा जो लगेज है वो रेडी हो गया, स्लिंग बैग रेडी हो गया, और एक बस मुझे इतना ही सामान लेके जाना है। सो गाइज मेरी जो पैकिंग है सब कुछ डन हो गया है, आप पीछे लगेज देख सकते हो यहाँ पर रखा हुआ है। तो मैंने सब कुछ अपना जो कपड़े वपड़े जो भी चीज़ें थी रख ली हैं, कुछ कुछ चीज़ें मेरी रह गई हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि केबिन बैग एक रेडी कर लूँ छोटे मोटे सामान रखने के लिए, और एक मैंने अपना स्लिंग बैग ले लिया, इसको हाथ में लेके जाऊँगी, फ़ोन हैंकी वैंकी सब कुछ रखने के लिए। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो स्लिंग बैग है ये मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये स्लिंग बैग अपना। अभी जब फ्रेंडशिप डे आया था तो मिस्टर हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था, मुझे लेके गए थे मॉल, तो उन्होंने मुझे ये दिलाया, मुझे बहुत पसंद आया तो मैं ये लेके आई थी एज अ फ्रेंडशिप डे गिफ्ट उनकी तरफ से। तो कोई बात नहीं, और अभी सब कुछ पैकिंग वैकिंग डन हो गई है, और मैं आपको बताऊं गाइस कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ अपने मायके, यस, और मैं जा तो काफ़ी दिन के लिए रही हूँ, बट मुझे ये नहीं पता मैं कितने दिन के लिए जा रही हूँ। तो मैंने कुछ ऐसे कपड़े नहीं रखे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है वहाँ, तो नॉर्मल कपड़े ही मैंने अपने रखे हैं और कुछ ऐसा नहीं रखा, क्योंकि कोई फंक्शन अभी कुछ नहीं है कुछ भी है, सच कुछ होता है तो देखते हैं बाद में, फिलहाल तो सब कुछ मैंने रख लिया है, सिंपल सिंपल सी टी शर्ट एंड सब कुछ वही। तो अभी सब कुछ पैकिंग डन हो गई है, और अब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि मैं क्यों जा रही हूँ अपने मायके। सो गाइज मैं जा रही हूँ अपने मायके, और मैं मायके क्यों जा रही हूँ, सडन क्यों मुझे जाना पड़ रहा है, ऐसा क्या रीज़न आया, क्या हुआ, तो मैं आपको बता दूँ, मेरी मम्मी का है ऑपरेशन, यस, उनको कुछ दिक्कत है, उनको वो जो प्रॉब्लम है बहुत टाइम से हो रही थी, मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला होगा, धीरे धीरे 1-2 महीने ही बचे होंगे 1 ईयर होने में, उनकी मेडिसिन चल रही थी काफ़ी टाइम से, बट उनको इस बीच इतनी ज़्यादा दिक्कत होने लगी कि बहुत ज़्यादा वीक हो गई, वो इतनी वीक कि मैं जब उनको वीडियो कॉल करती हूँ तो मतलब वो बोल मतलब एक होता है ना कि हम जब वीक हो जाते हैं तो हमारी आवाज़ बिल्कुल चेंज हो जाती है, उनके साथ सेम वही सीन था। जब डॉक्टर्स को फिर दिखाया गया, डॉक्टर ने बोला कि अब आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास, वरना आपको फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो अभी मेडिसिन चल रही थी उनकी, चल रही है अभी भी चल रही है उनकी, तो आज की डेट मिली ऑपरेशन की, आज मम्मी सुबह हो गई हैं एडमिट हॉस्पिटल में। जस्ट मैंने अभी कॉल किया था उन्हें कि क्या चल रहा है वहाँ पर, तो उन्होंने मुझे बोला कि जो ऑपरेशन से पहले 4-5 जाँचें होती हैं वो होने के लिए गई हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, फिर शाम तक उनका ऑपरेशन होगा। मेरी मुझे कल ही मेरा ना मतलब प्लान बना कि मुझे जाना है, आज की कोई भी फ्लाइट नहीं थी मंडे की, कल ट्यूसडे की फ़्लाइट है तो मैं बस कल जा रही हूँ। मम्मी इतना रो रही थी फ़ोन पे, मतलब इतना ज़्यादा परेशान हो रही थी, तो मैंने उनको समझाया कि आप बिल्कुल परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं कल दोपहर तक आ जाऊँगी, कोई डरने वाली बात नहीं है, उनको डर लग रहा है। देखो मतलब जिस प्रॉब्लम में जिस सिचुएशन में मैं हूँ, मतलब अपनी मम्मी का देख के मुझे भी घबराहट हो रही है, बट मुझे भी रोना आ रहा है, बट उनके सामने मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि वो फिर और वीक हो जाएंगी। तो मेरी सिचुएशन से अगर कोई पहले ऐसे मतलब गुजर चुका है, किसी की मम्मी का ऐसे ऑपरेशन हुआ है, देखो ऑपरेशन कोई छोटी चीज़ नहीं होती, ऑपरेशन का जो नाम है ना वो ही बहुत ख़राब होता है मेरे हिसाब से। तो बस बस अभी मैं बार बार उन्हें कॉल कर रही हूँ, मतलब मेरी हालत देखो, मतलब मेरी हालत क्या, मुझे खुद मतलब सोच सोच के इतनी वीकनेस हो रही है, मैं काम सारे कर रही हूँ बट
मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा, बस यही मन में उथल पुथल हो रही है कि सब कुछ ठीक हो जाए, मैं टाइमली पहुंच जाऊं उनके पास, उनका ध्यान रख लूं सब कुछ प्रॉपर, तो सब कुछ अच्छा होगा। बस यही रीज़न है मेरा जाने का। मतलब मैं, मुझे यहाँ की भी चिंता है कि मिस्टर हस्बैंड अकेले रहेंगे, ऑफिस होता है उनका, इतना काम का वर्डन होता है उनका, बट दोनों चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी हैं, ससुराल भी और मायका भी। मिस्टर हस्बैंड ने मुझे बोला कि आप यहाँ की बिल्कुल चिंता मत करो, आपको आपकी ज़रूरत अभी वहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर मैं मैनेज कर लूँगा। तो बस मैंने फटाफट अपना टिकट कराया और कल मैं निकल जाऊँगी, और जाके मम्मी का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि इतनी ज़्यादा वो वीक हो गई हैं, उनकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है कि शायद पहले मैंने उनको इस सिचुएशन में कभी भी नहीं देखा। इतना टाइम बड़ी हुई मैं, मेरी शादी हो गई, बट इतना मतलब उदास या इतना वैसे मैंने हारा हुआ, मतलब वैसे कभी नहीं देखा उन्हें। तो बस यार अच्छे से आज देखते हैं, अभी अभी रिपोर्ट्स नहीं आई थी, उन्होंने बोला डॉक्टर ने कि 1-2 घंटे लगेंगे, वेट कर रही हूँ रिपोर्ट्स आए, फिर डॉक्टर आज रात में करती है, वैसे उन्होंने आज रात में बोला है करने के लिए ऑपरेशन, आज करती है कल करती है जैसा भी होगा। ब्लॉग में आप लोग लास्ट तक बने रहिए, मैं सब कुछ आपको इसी ब्लॉग में दिखाऊंगी, अपनी मम्मी से मैं आपको मिलवाऊंगी। तो बस कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, पैकिंग सारी मेरी हो चुकी है, बस गॉड जी सब कुछ अच्छा करें, अच्छे से करें, और मम्मी को बस अच्छे से ठीक कर दें ताकि वो आराम से सब कुछ मतलब अच्छे से करके घर आ जाएं। सबसे अच्छा मुझे गाइस तब लगता है जब मेरे जो मिस्टर हस्बैंड हैं एक सपोर्ट, एक पिलर की तरह मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है, क्या कहता है, वो मुझसे कहते हैं कि जिसमें आपकी खुशी हो और आपको जो अच्छा लगे आप वो करो, मैं मैनेज कर लूँगा, आपको आपकी जो ज़रूरत है वहाँ पर ज़्यादा है, मम्मी की आपको ज़्यादा ज़रूरत है, आप जितने अच्छे से संभाल पाओगी उतने अच्छे से कोई भी नहीं संभाल पाएगा। जब वो ये चीज़ बोलते हैं तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि सीरियसली मैं आपको बता नहीं सकती कि चलो हाँ, मतलब यार इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला, इतना सपोर्ट करने वाला, सब कुछ मतलब हर टाइम साथ देने वाला, हर चीज़ में सिचुएशन कैसी भी हो हर चीज़ में साथ देने वाला, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इससे ज़्यादा अभी मैं शायद बोल नहीं पाऊँगी क्योंकि मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जा रही हूँ आजकल, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। गुड इवनिंग एवरीवन, यहाँ पर मैं शाम की चाय पी चुकी थी पहले ही, उसके बाद फिर यहाँ पर डिनर की प्रिपरेशन चल रही थी, तो यहाँ पर मैंने कढ़ी को चढ़ा दिया था, कढ़ी में उबाल आ रहा था, इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है। फिर एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिया था, कढ़ी बन चुकी थी, चावल चढ़ाने के बाद फिर एक तरफ मैं यहाँ पर कैबेज को उबाल लिया था और यहाँ पर मैं उसको फ्राई कर रही थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, यहाँ पर मैं एयरपोर्ट पहुँच चुकी थी, बोर्डिंग वगैरह सब कुछ कर लिया था और यहाँ पर वेट कर रही थी, और जो मेरी फ़्लाइट का टाइम था वो था 10:40, और काफ़ी टाइम पहले ही मैं फ्री हो चुकी थी सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरी करके, और यहाँ पर वेट कर रही थी क्योंकि आज ऐसा लग रहा था कि घर में जल्दी पहुँच जाऊँ। और आपको एक बात और बतानी है, ज़रूरी बात ये है कि मम्मी का जो ऑपरेशन है वो आज होगा, कल नहीं हुआ, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग ब्लॉग में बताया कि मम्मी का ऑपरेशन कल हो गया होगा, लेकिन कल नहीं, मम्मी का ऑपरेशन आज हुआ, आज होगा मतलब। और मैं यहाँ पर फ्लाइट में बैठ चुकी थी, फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी, एंड आज मम्मी का ऑपरेशन है, तो जब तक मम्मी का ऑपरेशन होके वो फ्री होंगी तब तक मैं पहुंच जाऊंगी मम्मी के पास। सो अभी चलते हैं। यहाँ पर मैं पहुंच चुकी थी बरेली, और एयरपोर्ट पे मुझे ड्राइवर भैया जो हैं वो लेने आ गए थे, पापा ने उनको भेज दिया था, पापा नहीं आ पाए थे क्योंकि हॉस्पिटल में कुछ काम था, तो मैंने कहा आप मत आओ, आप ड्राइवर भैया को भेज दो, तो वही आए थे लेने। यहाँ पर मैं पहुँच चुकी थी हॉस्पिटल, मम्मी का जो ऑपरेशन था वो हो चुका था मेरे आने से पहले ही, और मम्मी को ICU से नीचे जो नॉर्मल बार्ड होते हैं, जो हमने प्राइवेट रूम ले रखा था उसमें मम्मी को शिफ्ट कर रहे थे क्योंकि मम्मी को बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी, घुटन हो रही थी वहाँ पे, वो बिल्कुल भी नहीं रुक पा रही थी, उनको रोना आ रहा था बहुत ज़्यादा, तो उनको हम लोग नीचे ले आए थे, तो यहाँ पर उनका ब्लड भी चढ़ रहा था, तो यहाँ पर जो हमने प्राइवेट रूम ले रखा था उसमें मम्मी को शिफ्ट किया जा रहा था। मैंने बात भी कर लिया था डॉक्टर से कि, तो वो ये बोले कि इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता देना, ये ऊपर ICU में मैम नहीं रुक पा रही हैं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं आप नीचे इनको शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पर वही लोग शिफ्ट कर रहे थे, यहाँ पर मम्मी शिफ्ट हो चुकी थी और ये सब लोग BP वगैरह चेक करने के लिए आए थे, मम्मी को बहुत घबराहट हो रही थी। यहाँ पर सब कुछ शिफ्ट हो गया था, पापा मम्मी को देख रहे थे बैठ के, बहुत अजीब लग रहा था यार, मम्मी इतना परेशान थी, पापा भी,
यहाँ पर मैं और मेरी मासी की बेटी दीदी, हम लोग दोनों बहुत ज़्यादा थक गए थे। दीदी तो कल की आई हुई थी, मैं आज ही पहुँची थी, तो बहुत ज़्यादा थकान थी और थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था। यहाँ पर फिर मॉनिटर लगवाने के लिए बोला था, वो लोग बोले कि हम मॉनिटर नीचे ही लगा देते हैं तो सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी। तो यहाँ पर भैया आए थे, वो मॉनिटर वगैरह लगा रहे थे, तो उसके बाद फिर लग जाएगा तो ठीक है, मतलब आईसीयू में भी लगाई था, तो वो ये बोले कि हम नीचे भी आपका जो मॉनिटर है वो लगा देते हैं, सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी। तो यहाँ पर वो जो भैया आए थे वो यही कर रहे थे। एंड उसके बाद फिर जो लगाते हैं सारी चीज़ें, वही चीज़ें, वो जो भी इनका प्रोसेस होता है वही सारी चीज़ें कर रहे थे, और ब्लड चढ़ना भी स्टार्ट हो गया था। एंड उसके बाद फिर मैंने पापा को बोला कि आप गेट बंद कर लो, और मम्मी को यहाँ पर, क्योंकि मम्मी को नशा था तो मम्मी होश में इतना नहीं थी, तो यहाँ पर बस मैं उनका सर सहला रही थी। और बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं मम्मी, बहुत वीक हो गई हैं यार, मतलब बस थोड़ा सा ध्यान रखूँगी उनका अच्छे से। एंड यहाँ पर मैं और दीदी एक एक पैर दबा रहे थे मम्मी का, क्योंकि वही है ना कि ऑपरेशन हो के चुका था, तो इतना उनको घबराहट जो है बहुत ज़्यादा हो रही है गाइस। गाइज आज का यही था अपडेट, आज ऑपरेशन का फर्स्ट डे है मम्मी का, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उनके पास जाके थोड़ी देर बैठूंगी, और दीदी आप लोग देख ही रहे हो, दीदी बैठी हुई है मम्मी के पास, और मम्मी अभी नशे में है और सो भी रही हैं, तो नशा तो जो है उनका वो रात तो हो ही जाएगी, मतलब उनको होश में आने में। एंड इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड।